आप जो है गुमराह करने के लिए आप वो काम ही नहीं कर रहे हो जो करना चाहिए। पूरे सर प्रॉब्लम ये, मैं मध्य प्रदेश के अंदर जो नियम लागू है आपने हाईकोर्ट में मुकदमा लटका के है, उस नियम की धज्जियां उड़ा रहे हो। उस पॉइंट पे नहीं हूँ सर, इन मेरा कहना सर, आपने जब से सेल्फ असेसमेंट लॉ आया तब से आपने सेल्फ असेसमेंट क्यों नहीं किया? सर ऑर्डर जो है 3/5/17 का है, हमने एप्लीकेशन फाइल की सर्टिफाइड कॉपी, तो हमें बताया गया कि सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध नहीं है अरे ऑर्डर हुआ क्या सर, आपके ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन रिजेक्टेड कहाँ है? सर, वो इन्होंने फाइल किया है, इनके डॉक्यूमेंट टेकन ऑन रिकॉर्ड पेज पे, 26 हमको मिला नहीं है, ऑर्डर पेज नहीं मिला सर, 26 जो इन्होंने लगाया वही। हाँ वही लगा, पेज 26 इंटीमेशन है कि आपका ऑब्जेक्शन रिजेक्ट हो गया, जो ऑर्डर वो इन्होंने लगाया, कोई बात नहीं, तो ऑर्डर की कॉपी तो इन्होंने लगाई होगी। मान लीजिए एडिशनल डॉक्यूमेंट, एडिशनल कवरिंग मेमोस, अच्छा ऑर्डर की डेट कौन सी है? सर 3/5/17 में, उसमें कुछ ऑर्डर नहीं था, नोट शीट पे हमने डिसाइड कर दिया 3/5/17। मालूम एंड फिर क्या किया आपने? देयर आफ्टर माय लॉर्ड वी फाइल्ड अपील अंडर सेक्शन 149 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अंडर सेक्शन 149 ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इन्होंने आपका ऑब्जेक्शन जो डिसाइड किया वो खारिज कर दिया? मतलब खारिज कर दिया। देयर आफ्टर माय लॉर्ड बिफोर द ट्रायल कोर्ट व्हेन द अपील वाज पेंडिंग माय लॉर्ड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉल फॉर रिकॉर्ड्स फ्रॉम द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पेज 37A7 में। अपील में क्या हुआ? अपील में खारिज कर दिया, मैं उस पर आ रहा हूँ। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील ट्रायल कोर्ट ने कुछ रिकॉर्ड मंगाए थे नगर निगम द्वारा, पेज 37 देखेंगे एक मिनट के लिए, A7 पेज 37 रिकॉर्ड जो मंगाए हैं मैडम, रिकॉर्ड जो तलब किया जाना है, भूमि स्वामी सुंदरलाल गुप्ता तनय सो एन सो का भवन का संपत्ति कर रजिस्टर 82 से लेकर 2018-19, प्रत्येक वर्ष का असेसमेंट व असेसमेंट आदेश, प्रत्येक वर्ष के संपत्ति कर देयक जो। आपने कब से जमा नहीं किया प्रॉपर्टी टैक्स? सर हम तो 89 तो आप नहीं रखना चाहते तो सर, प्रॉपर्टी हमारा किसी को दे दीजिए, बेच दीजिए। सर हमारा वो कितना मंजिल बना हुआ है? सर 3 मंजिल हमारा इशू ही नहीं है, इशू ये है कि हमारा मंजिल बना 4,620 स्क्वायर। वही तो डिस्प्यूटेड, हमारा कहना है कि टोटल एरिया इज 2,430 स्क्वायर फीट इनके असेसमेंट के हिसाब से। आपने सेल्फ असेसमेंट कब किया? नहीं किया कभी कहीं, वही क्वेश्चन है सर, वही तो मैं बता रहा हूँ। अरे सेल्फ असेसमेंट में आपने दिया या नहीं दिया? सेल्फ असेसमेंट का कानून चल रहा है पिछले 20 साल से, कभी नहीं किया सर हमने। 97 छोड़ दीजिए, सेल्फ असेसमेंट में आपने दिया कि नहीं दिया? सर हमने प्ली ली थी 97 तक दिया, पर उनके डॉक्यूमेंट हमें प्रोड्यूस नहीं कर रहा है फेयरली। आई विल नॉट एंटरटेन। एक मिनट के लिए सर सुन ले मालोट, आप बताइए सेल्फ असेसमेंट में आज तक आपने दिया क्यों नहीं? सर वेदर ऑल दिस कैन बी डिसाइडेड। सर अपील में जब कोर्ट ने रिकॉर्ड मांगा, कोर्ट ने देखा ही नहीं। सेल्फ असेसमेंट में आज तक दिया कि भाई ये बात क्या होता है? देखिए इसके अंदर मेरी बात समझ लीजिए मिस्टर मालोट, इसके अंदर नोटिस आता है केवल वहीं तक का रहता है ये मैटर, हम कोई आगे तक का थोड़ी डिसाइड करेंगे। ये नोटिस, एक मिनट सुनिए, ये नोटिस कब का है सर? इट इज डेटेड सर, नोटिस डेटेड 4/4/17 4/4/17 सेल्फ असेसमेंट का कानून कब से शुरू हुआ? यू आर नॉट फॉलोइंग दैट। भाई आप सेल्फ असेसमेंट का देते फिर ये बोलते सर मेरे आपका सेल्फ असेसमेंट कहाँ है बता दीजिए? आपके मकान में कितने कमरे हैं, क्या है, नक्शा लगाया है आपने? उसमें आ गया मतलब पेस्ट A10 में आ गया मतलब सर, वो कितने कमरे आए ना मतलब वही तो बता रहा हूँ सर, A10 में नगर निगम होगा आपका। एक्चुअली आपका आपका मन जो है सर थोड़ा सा आपका मन ऐसा कर रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि देखिए आपको लग रहा है कि हाई कोर्ट के अंदर आराम से जो है 15 रुपए का टिकट लगा के 25 रुपए का टिकट लगा के 25 साल यार लगे रहो, और अपने जो रहे हैं और वो उस लाइट में आपको जमा करना पड़ेगा नहीं। सर म्युनिसिपलिटी वाले रिकवरी करने आएंगे, हाई कोर्ट की पिटीशन का नंबर दिखा के भरा दूंगे। 24 तक का हमारा 24-25 तक का पूरा टैक्स जमा है आईआर यहाँ मिली गई होगी आपको। सर पूरा अमाउंट जमा करने पर क्या था, हमने अमाउंट जमा भी कर दिया है और 24-25 तक का भी टैक्स जमा है मालूम। विथड्रॉ इट, अदरवाइज कुछ नहीं सर इसमें। आई विल से दैट नो इंटरप्रेट, वो बताइए इसका। अच्छा मुझे, अच्छा मिस्टर ये कंफर्म है कि इसकी रिवीजन होती है? रिवीजन इट्स का, ये जो ऑर्डर है 390 रिवीजन ऑर्डर है, अपील अंडर 49 रिवीजन इज वेंटेड। नहीं ये जो अपील करी होगी ना नीचे आपने पहले, नहीं मैं अपील इन्होंने की है अंडर 49। तो आपके ऑब्जेक्शन जो 149 148 कौन से 149 के ऑब्जेक्शन थे ना, कौन से थे ऑब्जेक्शन? तो इनका ऑब्जेक्शन तो बात नहीं समझे, ये जो आपने नोटिस दिया था ये कौन से सेक्शन में था? सेक्शन ये था 173। तो इसके इसके आपत्तियां जो है कहाँ ही होंगी? आपत्तियां तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो अपील का फैसला है उसके खिलाफ हाई कोर्ट में रिवीजन, हाई कोर्ट रिवीजन।
वो काय में है? ये अंडर सेक्शन 392 मैडम, 392 नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्ररी कॉर्पोरेशन है, बताइए इसमें क्या गलती है एडीजे के ऑर्डर में। एडीजे के ऑर्डर में एक इसी पे मैं आ रहा था सर, A7 देख ले एक सेकंड के लिए, पेज 37 पे, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील। एडीजे का ऑर्डर जो है, एडीजे का ऑर्डर में A1 है, पेज 8 ऑनवर्ड्स, 11/7/19। और उसको उसके पढ़ने से पहले मतलब एक मेरी रिक्वेस्ट है, A7 देख ले पेज 37 पर। क्या है कि आप जो है गुमराह करने के लिए सर, आप वो काम ही नहीं कर रहे हो जो करना चाहिए। सर प्रॉब्लम ये, मैं मध्य प्रदेश के अंदर जो नियम लागू है आपने हाईकोर्ट में मुकदमा लटका के उस नियम की धज्जियां उड़ा रहे हो। उस पॉइंट पे नहीं हूँ सर, इन मेरा कहना सर, आपने जब से सेल्फ असेसमेंट लॉ आया तब से आपने सेल्फ असेसमेंट क्यों नहीं किया? सर वो कमर्शियल पे करने को बोल रहे हैं और जो एक्चुअल लैंड 2300 स्क्वायर फीट है उससे डबल पे असेसमेंट कर रहे हैं। चलो छोड़ो, हाईवे के लैंड है वो सर, ये खुद का असेसमेंट है, A12 पे मैलोट, ये हाईवे के लैंड है सर, हाईवे की लैंड मैलोट, A12 देख ले, इनका खुद का असेसमेंट है नगर निगम का, पूरे कमरों का एरिया दिया हुआ है। 20 साल का 6,99,594 ज्यादा कहाँ से हो जाएगा सर? हमने पे कर चुका है ऑलरेडी, कहीं की भी प्रॉपर्टी हो सर, सर हमने पे कर चुका है 23-24 तक, 24-25 तक का पे कर चुका है। तो ये तो हो गया, फिर खत्म सर, सर इशू ये है कि सर इन लोग कमर्शियल पे कर रहे, दैट इज रेसिडेंशियल लैंड, हम रह रहे हैं वहाँ पे, इनका खुद का A12 देख ले मैलोट, एक मिनट के लिए A12 देख ले। आपने सेल्फ असेसमेंट क्यों नहीं किया सर? पर A12 एक सेकंड देखें, प्रॉब्लम ही नहीं है ना, कौन सा क्या है ये, तो सेल्फ असेसमेंट का करेंगे, उसके बाद जब मौका मुआयना करेंगे तब आपत्ति आएगी सर। तो हमारे ऑब्जेक्शन को इनका 3/5/17 का ऑर्डर देख ले, हमने हमारे ऑब्जेक्शन में सब असेसमेंट किया है, 2019-20 तक का मैंने ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन में असेसमेंट। आप मुझे बताइए आपका सेल्फ असेसमेंट का जो है पर्चा कहाँ है? आप सिर्फ जमा कर आते होगे जो आपकी इच्छा होती होगी सर, हमने ऑब्जेक्शन में दिया हुआ है मैम, सेल्फ असेसमेंट ऑब्जेक्शन में देख ले मैम, वेयर इज द सेल्फ असेसमेंट शीट ऑफ ऑफ पर ईयर सर, वही तो मंगाई, आप कोई अलग से आदमी आओ क्या, सबको पूरे मध्य प्रदेश को जो कानून लगे वो लगे, वही तो कोर्ट ने रिकॉर्ड मंगाया था, मतलब ही नहीं, आप अपना कागज बताइए ना, आपके पास शीट होती है, हर साल आदमी आता है पैसे जमा करके ले जाता है सर, प्रॉब्लम पूरे हिंदुस्तान के का तो मुझे नहीं पता, नहीं मध्य प्रदेश का तो हर आदमी टैक्स अदा कर रहा है, उसका पर्चा देना पड़ता है, कहाँ है वो एक आध कागज तो बताइए। वही तो कोर्ट ने बोला, ऑलओवर कोर्ट ने बोला कि आपने कोई ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, कोई अपने रसीद पेश नहीं किया, आपकी रसीद कहाँ है भाई? यू आर पेइंग टैक्स, रसीद रसीद या रिसीट इज गिवन बाय दैट पर्सन हु कम्स फॉर कलेक्शन ऑफ द टैक्स, वेयर इज दैट रिसीट? सर बट प्रॉब्लम ये सर, ये कमर्शियल पे कर रहे हैं सर, इट इज अ रेसिडेंशियल लैंड मैलोट, और 2430 स्क्वायर फीट टोटल एरिया इन्हें खुद ने असेस किया है मैलोट, 2 लाख रुपए ज्यादा जमा करा सर, वो तो हम ऑलरेडी जमा कर चुके, 24-25 तक का जमा कर चुके हैं मैलोट, कर दिया, तो अब आप इसको, अब आप अपने आगे के लिए कोई आपत्ति है उसको करिएगा, ये तो हर साल का ये जो है ना रेकरिंग कॉज ऑफ एक्शन है भाई, इन्होंने इस साल असेसमेंट किया सर, उसका अलग होगा, अगले साल का अलग होगा, हर साल वैल्यू जो भाड़ा वैल्यू होती है सर, रेंटल वैल्यू होती है ना सर, हम उस पॉइंट पे नहीं कि वैल्यू बढ़ती घटती, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग, हमारा कहना, हमने ऑब्जेक्शन लिया था जब इन्होंने डिमांड नोटिस किया और असेस किया, हमारा ऑब्जेक्शन ये थी कि आवासीय प्रयोजन के लिए क्या है, 4/4/17 की पुष्टि कर दी, आप 17/18 के बाद अपना सही करा लेना सर, चार चार वो तो ऑब्जेक्शन देखा ही नहीं ना सर, नहीं देखा तो खत्म हो गया ना सर, तो में सर तो अपील अपीलेट कोर्ट तो देखिए, रिवीजन हमें रिवीजन में स्कोप है हमारे पास, अरे एक AIR 1969 सुप्रीम कोर्ट 57 ये कहता है कि हाई कोर्ट को रिवीजन में ये जो है कम ज्यादा करने का पावर है। आई वाज हियर मतलब कि मैटर रिमांड हो जाए अपीलेट कोर्ट के सामने मैलोट, बिकॉज अपीलेट कोर्ट ने रिकॉर्ड मांगा, रिकॉर्ड को असेस ही नहीं किया मैं, कंफर्म कर रहे हैं, कंफर्म देखो इस सिविल रिवीजन, गुप्ता जी जो है फालतू होंगे आराम से वहां चले जाते होंगे आपत्ति लगाने,
28 साल में लोग अपने चिंता से पैसे वो जमा तो करने इसलिए जा आए रहे यहाँ पे कि इसलिए आए कि इनके फादर जो कि डेथ हो गई तो वो नामांतरण नहीं हो रहा था कि ये हैं। इसके कारण सर इनके फ्रिवोलस प्रॉपर्टी टैक्स एलिगेशन में। लगा रहे हैं। 812 पे इनका खुद का कैलकुलेशन है कि ये 2430 स्क्वायर फीट है, ये 812 पे इनका खुद का कैलकुलेशन है। मैम इस अरे आपने सेल्फ असेसमेंट क्यों नहीं किया सर जी? खुद कैलकुलेट करके बता रहे हैं, बाद में असेसमेंट 4000 सेल्फ पे कर रहे हैं। असेसमेंट मैम लगा, हर साल का पर्चा कहाँ है? सर लैंड बढ़ कैसे जाएगी सर? ये खुद असेस कर रहे हैं, दो हजार चार सौ तीस स्क्वायर फीट दिस सिविलियन हैज बीन प्रेफर्ड बाय द एप्लीकेंट्स चैलेंजिंग द ऑर्डर डेटेड 11/7/2019 पास बाय 7th एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सतना इन एमसीए 53/17 देयर बाय एप्लीकेंट्स फर्स्ट ऑफ योर अपील फाइल अंडर सेक्शन 149 ऑफ द एमपी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट कॉमन 1956 हैज बीन डिसमिस्ड